इस मूवी में देखेंगे कि सूर्य एक्सपांड होकर पृथ्वी को तबाह करने वाला है और इस संकट से बचने के लिए पूरी दुनिया एक होकर पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम में मूव करने का फैसला करती है। लेकिन ऐसा करने से पृथ्वी पर तूफान भूकंप सुनामी आती है। लेकिन इस खतरे से निपटने के बाद जब पृथ्वी जुपिटर के पास आता है तब जो होता है वो देखने लायक है। इस मूवी का नाम है द वॉन्डरिंग अर्थ। मूवी की शुरुआत होती है 2061 से, जहां दिखाया जाता है कि सूर्य बहुत जल्दी एक्सपांड हो रहा है और आने वाले 300 सालों में वो पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर करेगा, जिसके कारण हमारी पृथ्वी तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश आगे आते हैं और यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका काम था हमारी इस पृथ्वी को नजदीकी अल्फा सेंचुरिया नाम का जो दूसरा सोलर सिस्टम है उसमें मूव किया जाएगा। अभी पूरा सफर 25 साल का था। इतने दूर जाने के लिए पृथ्वी पे कई सारी लोकेशन पे थ्रस्टर बनाए जाते हैं, जिसे अर्थ इंजन भी कहते हैं। ये सारे थ्रस्टर, जिसे बूस्टर भी कहा जाता है, वो फ्यूजन पावर प्लांट पर चल रहे थे, जिसके कारण पृथ्वी को बूस्ट मिल रही थी और वो अपने पोजीशन से मूव होने लगती है। इसके बाद हमें एक एस्ट्रोनॉट पैकियांग को उसके बेटे क्यू के साथ दिखाया जाता है। वो अपने बेटे को कहता है, पापा एक मिशन पे जा रहे हैं और एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें बिना टेलीस्कोप के जुपिटर दिखेगा, उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद पैकियांग स्पेस स्टेशन में अपने मिशन पर चला जाता है। उसने अपने बेटे को उसके नाना के पास सौंपा था। ये स्पेस स्टेशन दरअसल पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू होता है, लेकिन पृथ्वी के मूव करने के 2 साल बाद हमें उसके परिणाम दिखने लगते हैं। पृथ्वी जो खुद भी रोटेट होती थी, उसकी ये मूवमेंट बंद कर दी जाती है। लेकिन इसके परिणाम ये होता है कि पृथ्वी पे तूफान सुनामी आने लगती है, इसलिए इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे भी जगह कम पड़ने लगती है, इसलिए कई सारे इंसान पृथ्वी की सतह पर रुकते हैं और इस तूफान के शिकार बन जाते हैं। इंसानों का पॉपुलेशन कम होने लगता है। आगे जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है, उसका वातावरण भी ठंडा होने लगता है और पृथ्वी की सतह बर्फ में जमने लगती है। क्यू अपने नाना के साथ तूफान से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगता है। काफी सारा पॉपुलेशन पृथ्वी के नीचे अंडरग्राउंड सिटी में रह रहा था। अब 17 साल बीत जाते हैं और हम जुपिटर के करीब आते हैं। जुपिटर की खुद की ग्रेविटी बड़ी मात्रा में थी, जिसे यूज करके पृथ्वी के सफर में तेजी लाने का प्लान था। बतौर नेविगेटर यही तर पैकियांग का स्पेस स्टेशन का सफर था। अगले दिन यानी चाइनीज न्यू ईयर के पहले दिन वो पृथ्वी पे वापस लौटने वाला था। इसके बाद क्यू को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो गया है। वो अभी हैवी ट्रक का मैकेनिक बन गया है, जो अपने एडॉप्टेड बहन हैन को लेके स्कूल से भाग जाता है। इन दोनों भाई बहनों को पृथ्वी का सरफेस देखना था कि अभी वहाँ कैसा वातावरण है, इसलिए एक लोकल चोर के पास जाके वो लोग उससे थर्मल सूट चुरा लेते हैं, क्योंकि पास में एक बबल कैप्सूल होती है जो अचानक से कभी भी बबल में कन्वर्ट होती थी, जिससे दोनों भी बच पाते। जिसके बाद वो लोग उसी का इस्तेमाल करके थर्मल सूट चुरा के वहाँ से भागते हैं। दोनों भी लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि सरफेस का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया है। कोई भी इंसान बिना थर्मल सूट के वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। आसपास कोई भी रहने लायक जगह ही नहीं थी और पास में ही वो बड़ा सा अर्थ इंजन देखते हैं। और ऐसे ही 10,000 अर्थ इंजन पूरे पृथ्वी पर लगाए गए थे। दूर पर ही उन्हें अपने नाना का स्पेशल ट्रक दिखता है। वो ट्रक काफी ज्यादा बड़ा था। की और हैन दोनों भी ट्रक में बैठ के भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और झूठा पास इस्तेमाल करने के कारण उन्हें जेल में डालते हैं। दोनों के नाना जी वहाँ उनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं और पुलिस को रिश्वत देने लगते हैं। इसके कारण पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है। वही जेल के अंदर ये लोग टीम नाम के एक और लड़के से मिलते हैं। यहाँ स्पेस में पृथ्वी जुपिटर के करीब आती है। उसकी ग्रेविटी यूज करके तेजी से पृथ्वी का सफर तय करना था, जिससे पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकता था। लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने के कारण वो इररेगुलर बन जाती है और पृथ्वी जुपिटर के करीब खींची चली जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पे भूकंप और तूफान आने लगता है। धीरे धीरे सारे अर्थ इंजन बंद हो जाते हैं। क्यू, हैन, उनके नाना और टीम अपना ट्रक लेके जेल से भाग जाते हैं। लेकिन भूकंप के कारण कई सारे पहाड़ इनके ट्रक के ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उस खतरे से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे स्पेस स्टेशन में जो इनका AI कंप्यूटर था, वो सारे एस्ट्रोनॉट को चेतावनी देता है कि अभी सिस्टम लो एनर्जी पर जा रहा है, इसलिए सब लोग तुरंत ही अपने हाइपर स्लीपिंग सेल में चले जाए। यहाँ पर पैकियांग को टेंशन आता है, इसलिए वो अपना घर वालों से कॉन्टेक्ट करता है। वो उन्हें नजदीकी बंकर बताता है ताकि वो लोग वहाँ जाकर इस तूफान से सुरक्षित रहे। उसके बाद वो खुद भी हाइपर स्लीप पर जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर वो लोग बंकर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उतने में ही कुछ सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। ये सोल्जर्स लाइटर कोर नाम की एक बड़ी सी कार्गो ले जा रहे थे, जो अर्थ इंजन शुरू करने के लिए जरूरी थी, और वो ले जाने के लिए इन्हें ट्रक की जरूरत थी। कैप्टन उनके नाना जी को उनकी मदद करने के लिए कहता है। वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही ये लोग ट्रक लेके शंघाई शहर में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की हालत तो और भी बुरी थी।
बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जिनमें कई सारे फेमस बिल्डिंग दफन हो चुकी थी। ये नजारा देख के सब लोग डर जाते हैं और एक पतला रास्ता उन्हें दिखाई देता है और उस पतले रास्ते से ये लोग ट्रक लेके निकल पड़ते हैं। इसके बाद अचानक से बर्फ के इस पहाड़ पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके कारण ये पूरा पहाड़ टूटने लगता है। ये पतला रास्ता काफी लंबा था और बड़े बड़े पत्थर इनके ट्रक पर गिरने लगते हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक सोल्जर को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है तो वो लोग वहीं से ऊपर जाने का फैसला करते हैं। पहाड़ की चोटी पे जाने के लिए इनको 80 फ्लोर ऊपर चढ़ना था। कुछ सोल्जर्स ऊपर चढ़ जाते हैं और लिफ्ट के दरवाजे की मदद से बाकी सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। क्यू हैन और उनका कैप्टन ऊपर आ जाता है। इनके नाना जी, एक सोल्जर और लाइटर कोर अभी भी नीचे ही था। यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स नाना जी, लाइटर कोर और उसके सोल्जर को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वापस भूकंप के कारण बिल्डिंग बहुत जोरी से हिलने लगती है। तब तक वो लाइटर कोर तो ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे चक्कर में नाना जी और वो सोल्जर नीचे अटक जाते हैं और लिफ्ट इन दोनों के ऊपर गिरने लगती है। लेकिन तभी वो सोल्जर अपनी जान की परवाह ना करते हुए सामने का जो लिफ्ट का दरवाजा रहता है उसे तोड़ता है और नाना जी को उस बीच वाले फ्लोर पर ही डाल देता है। लेकिन सोल्जर के ऊपर लिफ्ट गिर जाता है और वो मारा जाता है। नाना जी के हेलमेट भी लगभग टूट गया था और उन्हें पता था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सीधा हेलमेट निकाल देते हैं और बर्फ में फ्रीज होके उसी वक्त मर जाते हैं। हैन और क्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन क्यू को उस कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसके नाना जी को बचाने में मदद नहीं की, जिसके बाद वो उस ग्रुप से अलग होता है। टीम भी उसके साथ ही निकल पड़ता है। सोल्जर भी लाइटर कोर को लेकर अपनी राह पर चल पड़ता है। यहाँ स्पेस स्टेशन में पेकियांग स्लीपिंग सेल में कुछ गड़बड़ी करके उड़ जाता है। फिर वो सिस्टम चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़ किसी और ही रास्ते पर जा रहा है। वही AI सिस्टम को पता लगता है कि एक एस्ट्रोनॉट नींद से उड़ गया है, तो उसके हरकत को रोकने के लिए वो उसके कलीग मैक्रो को उठाता है। मैक्रो पहले तो पेकियांग को समझाने की कोशिश करता है, फिर पेकियांग उसे बताता है कि स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़ के कहीं और चला जा रहा है, तो मैक्रो उसकी मदद करने लगता है। इन दोनों को कंट्रोल सेंटर जाना जरूरी था ताकि वो AI सिस्टम को ओवरराइड कर सके, लेकिन स्पेस स्टेशन में कंट्रोल सेंटर ऊपर की तरफ था जिसके लिए इन्हें स्पेस में जाकर ऊपर जाना था। दोनों भी अपना सूट पहन लेते हैं और बाहर की ओर चले जाते हैं। इन दोनों को बाहर की ओर जाते हुए देख AI सिस्टम अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि ये दोनों रूल के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोटोकॉल के अनुसार इन दोनों को भी मार डालना जरूरी था, तो वो बाहर से इन दोनों पे हमला करने लगता है। इस अटैक के कारण दोनों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसी अटैक में मैक्रो मारा जाता है। पेकियांग को अपना साथी खो जाने के लिए काफी दुख होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कंट्रोल सेंटर में आता है, लेकिन वहां पर उसे पता लगता है कि उसके सारे अधिकार रद्द कर दिए गए और अब वो इस मिशन को बदल नहीं सकता। यहाँ पर क्यू हैन और टीम दोनों को भी अपने रास्ते में एक नया ट्रक दिखता है। वो लोग उस ट्रक में जाते हैं और उन्हें उस ट्रक में ली नाम का साइंटिस्ट मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। ली उन्हें बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपने तरफ खींच रही है, इसके कारण कोई भी प्लेन हवा में उड़ नहीं सकता और इसी के कारण वो क्रैश हो गया है। आगे वो बताता है कि ट्रक में टॉर्क इंजन यानी बहुत बड़ा अर्थ इंजन जो उन्हें सुलावेसी इक्वेटर पर लेकर जाना है और वहां का मेन इंजन शुरू करना है। उस ट्रक को लेकर क्यू अपने घर लौट सकता था, लेकिन फिर भी वो ली की मदद करने का सोचता है और सब लोग सुलावेसी इक्वेटर पर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर पेकियांग AI सिस्टम की कमांड को बदलने के लिए मेन कंप्यूटर रूम में जाता है, लेकिन तभी उसे AI सिस्टम बताता है कि ये जो भी चेंजेस चल रहे हैं वो उसके खुद के नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम खुद यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही है। जब भी पृथ्वी को खतरा साबित होगा तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल लिखा था कि पृथ्वी के लोगों की मदद उन्हें नहीं करनी है और स्पेस स्टेशन को एक रहने लायक प्लेनेट ढूंढते रहना है। स्पेस सेंटर में जरूरत की सारी चीजें हैं, जैसे कि फसलों के सैंपल और अलग अलग जानवरों के सैंपल। इतना ही नहीं, ह्यूमन एम्ब्रोस भी रखे हुए हैं जो इंसानों को नए प्लेनेट में सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए मदद करेंगे। भले ही पृथ्वी जुपिटर को टकरा जाए और सारे इंसान पृथ्वी पर मारे जाएंगे, लेकिन ह्यूमन रेस खत्म नहीं होगी। नए रहने लायक प्लेनेट में ये सारी चीजें वापस पैदा हो सकती है। ये सब कुछ सुनने के बाद पेकियांग को सोचता ही नहीं कि वो क्या करे। यहाँ पर जो सोल्जर्स की टीम थी उन्हें इस बर्फीले तूफान में उस लाइटर कोर को खींचना काफी कठिन हो रहा था और तभी अचानक से ठंड के कारण उनका एक सोल्जर भी गुजर जाता है। ये देख के बाकी मेंबर्स का हौसला टूटने लगता है कि ये मिशन इधर ही रोक देना चाहिए और सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होता। एक महिला सोल्जर लाइटर कोर को शूट कर देती है जिसके कारण वो टूट जाता है। ये देख के कैप्टन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे लगभग मारने ही वाला था, लेकिन वो खुद को रोकता है। लेकिन तभी वहां पर क्यू अपना ट्रक लेके आता है और उन्हें बताता है कि ट्रक में एक और टॉर्क इंजन है जो वो लोग सुलावेसी लेके जा रहे हैं। इस मिशन के लिए उन्हें सोल्जर्स की मदद लगेगी, इसीलिए
सारे सोल्जर्स उसको ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद वे लोग सुलावेसी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि किसी और टीम ने इंजन को पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, बल्कि पृथ्वी के बाकी सारे बूस्टर पहले से ही चालू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी अभी भी जुपिटर की ओर खींची चली जा रही है। पृथ्वी से जुपिटर को काफी क्लियरली देखा जा सकता था। स्पेस स्टेशन में एआई सिस्टम अनाउंसमेंट करता है कि अभी पृथ्वी के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आखिरी दिन पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही अनाउंसमेंट एआई सिस्टम पृथ्वी पर भी करता है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में मातम मच जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ली भी जोर जोर से रोने लगता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है, क्योंकि पृथ्वी की सारी हवा जुपिटर की ओर खींची जा रही है और हमारे पास एक दिन के बाद ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा। यहाँ पर क्यू वो लगातार जुपिटर को ही देख जा रहा था और अचानक से उसे अपने पिताजी की एक बात याद आती है कि जुपिटर में काफी ज्यादा मात्रा में सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तभी वो एक प्लान सोचता है कि अगर थ्रस्टर्स से हमने जुपिटर के हाइड्रोजन को इग्नाइट किया तो काफी बड़ा विस्फोट होगा और बड़ी मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट होगी। इस वेव के कारण पृथ्वी दूर फेंकी जा सकती है। ये प्लान काफी कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो ली और बाकी सबको ये प्लान बताता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। वो प्लान बनाता है कि मेन इंजन को ही बंद करके पूरी दुनिया से इग्निशन का नया प्रोग्राम लोड करेंगे, लेकिन इंजन बंद होने के बाद उसे मैन्युअली चालू करना पड़ेगा। अब इस प्लान के अनुसार टीम और क्यू दोनों लाइटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। मैनुअल इंजन स्टार्ट करने के लिए एक सोल्जर की टीम आ जाएगी, तो तीसरी टीम होती है ली और बाकी साइंटिस्ट की, जो कि कंट्रोल रूम में जाके वो प्रोग्राम लोड करेंगे। हैन और जो महिला सोल्जर होती है वो कम्युनिकेशन रूम में जाएगी। इसी प्लान के अनुसार सब लोग अपने स्टेप्स लेते हैं, लेकिन इस मिशन में कई सारी दिक्कत आती है। जैसे ही टीम और क्यू दोनों लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं तो एक लॉग बीच में आता है जिसके कारण वो पूरा प्रोग्राम अटक जाता है। वही इग्निशन पिन काफी बड़ी थी इसलिए सोल्जर की मैन पावर कम पड़ने लगती है और यहाँ पर ली का प्रोग्राम भी 99% पे आके हैंग हो जाता है। लेकिन तभी हैन पेकियांग को कांटेक्ट करती है। पेकियांग को वो उनका सारा प्लान बताती है ताकि कुछ मदद मिल सके। पेकियांग यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से परमिशन लेने के लिए उनको कांटेक्ट करता है। यहाँ पर वो लोग सिर्फ एक ही हेल्प करने को तैयार होते हैं कि जो बच्ची का मैसेज है वो उसे पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हैन अपना मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है और कहती है कि मैं और सोल्जर्स की टीम पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लोगों की जरूरत है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने अपना हौसला खो दिया है, लेकिन हम सब एक होके इस पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास करेंगे तो शायद हम बच सके। एक बच्ची से इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद जो भी लोग भाग रहे थे कुछ जगह पर छुपने के लिए, उसमें से कई सारे लोग इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और जो इग्निशन पिन रहता है जो कि काफी बड़ा था उन्हें पुश करने में सोल्जर्स की मदद करते हैं और आखिरकार काफी देर के बाद वो पिन लॉक हो जाती है। यहाँ पर क्यू भी अपनी जान पे खेल के लॉक को निकालता है और टीम को साथ लेके उस ट्रक से भागने लगता है। यहाँ पर प्रोग्राम भी अपलोड हो जाता है। जैसे इनका ट्रक बाहर आ जाता है, इग्निशन लॉन्च किया जाता है और मेन इंजन जो पृथ्वी का सबसे बड़ा इंजन था वो सीधा जुपिटर को निशाना लगा के रेड लाइट इग्नाइट करता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इग्निशन इतना बड़ा होने के बावजूद वो जुपिटर ग्रह तक नहीं पहुंच पाता। वो इग्निशन अभी भी जुपिटर से 5,000 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी पेकियांग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो इस इग्निशन में यूज हो सकता है, लेकिन एआई सिस्टम उसे रोकता है क्योंकि अब नया प्रोजेक्ट हेलियोस शुरू हो गया था जिसका मिशन था रहने लायक प्लेनेट ढूंढने का, ना कि पृथ्वी वासियों की मदद करना। पेकियांग के पास शराब की एक बोतल थी जिसे एआई सिस्टम की तरफ फेंक मारता है जिसके कारण पूरे सिस्टम को आग लगती है और एआई सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके बाद पेकियांग सिस्टम का कंट्रोल लेकर स्पेस स्टेशन को जुपिटर की ओर ले जाता है। वो आखिरी बार अपने बेटे को कॉन्टेक्ट करता है और इस फ्यूल के बारे में बताता है कि वो अपने डॉग लेके उस इग्निशन में चला जाएगा जिसके कारण विस्फोट होगा, लेकिन क्यू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन पेकियांग उसकी बातें नहीं मानता और अपने बेटे क्यू को आखिरी बार गुड बाय कहता है और उसे कहता है कि अब तुम जब भी जुपिटर को देखोगे तब तुम मुझे भी देख पाओगे। क्यू बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो जुपिटर को जब देखता है तब उसे अपने पापा का जो डॉग सिस्टम रहता है वो दिखाई देता है। वो सीधा डॉग उस आग में चला जाता है और उसे देखते देखते बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है जिसके कारण आग जुपिटर तक पहुंच जाती है। वहां के हाइड्रोजन को इग्नाइट करती है और बहुत जोरों से एनर्जी वेव जनरेट हो जाती है जो पृथ्वी को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। हालांकि जुपिटर से निकले बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स अगले 7 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचने वाली थी। सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी एस्टेरॉइड्स पृथ्वी तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही का नजारा था। क्यू और टीम नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो एक पोल को पकड़ लेते हैं, लेकिन हैन नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए क्यू भी नीचे कूद जाता है, लेकिन क्यू के पास कैप्सूल रहता है जिसके कारण वे दोनों बच जाते हैं।
लेकिन वो भी जल्दी क्रैक हो जाता है और क्यू हेलमेट भी टूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, वही पृथ्वी बच गई थी और अब ये दूसरी दिशा में जा रही थी जैसे पहले का प्लान था। हम फिर 3 साल के बाद देखते हैं, क्यू बच गया था लेकिन उसके चेहरे पे बहुत बड़ी जख्म आई थी और दूसरी सोलर सिस्टम में जो जाने का ये जो मिशन का सफर है वो अभी भी जारी था। सब लोग अभी भी अंडरग्राउंड सुरक्षित रह रहे थे। क्यू जो है वो भी जूनियर ड्राइवर बन गया था और सब लोग उसे काफी रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे, जिसके साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।